नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पहले देखो पैरसी को यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अब देश के हर खेत में होगी सिंचाई। सरकार इसके लिए दे रही है 90% तक सब्सिडी। यहाँ दोस्तों अगर आप भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सरकार 90% तक किसानों को सब्सिडी मुहैया करा रही है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी के साथ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन की सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। सभी जानते हैं कि आज़ादी के 72 साल बीत चुके हैं और इसके बाद भी देश के जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में कृषि के एक बड़े हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। भारत में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। इसमें से 52% हिस्सा अनियमित सिंचाई या बारिश पर निर्भर रहता है। मोदी सरकार किसानों की स्थिति को बदलने के लिए लगातार नई नई योजनाएँ लेके आ रही है। सरकार ने मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने और हर खेत पर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया है। भारत सरकार के बजट 2020 में कृषि सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल की गई है। अगर आपने बजट नहीं देखा है 2020 में क्या क्या बजट में ऐलान किया गया था तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। योजना का फायदा लेने वाले किसानों के पास अपनी जमीन और सिंचाई के पानी के स्रोत होना चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 की खास बातें क्या क्या हैं, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र व राज्य सरकार में समन्वय वाली योजना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सही मायने में हर खेत में हर समय पानी उपलब्ध कराने को लेकर की गई थी और उपलब्ध पानी की बर्बादी को रोकने जैसे दोनों महत्वपूर्ण कार्य एक साथ किए जा रहे हैं। इतने बड़े देश में हर खेत में पानी देना आसान नहीं है, इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में एक राष्ट्रीय लक्ष्य तक इस तक पहुंचने का टारगेट रखा है। इसके तहत सरकार हर खेत में आधुनिक तरीकों से सिंचाई करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही इसके योजना के अंतर्गत 99 बड़ी और छोटी योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें 3 मंत्रालयों के जरिए काम किया जा रहा है। इसमें जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्वार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को इसके तहत जोड़ा गया है। राज्य के लिए कार्यक्रम के तहत धन राशि का आवंटन भी बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि हर खेत तक पानी किसी न किसी तरीके से पहुँचाया जा सके और फसल उत्पादन को बढ़ा के खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा खुद वहन करती है, बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती है। वहीं कृषि क्षेत्र में ऊंचाई वाले स्थानों पर उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती है और 10% खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 का उद्देश्य क्या क्या है, तो दोस्तों हम आपको बता दें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 का उद्देश्य जो है पौधों में उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करना, खुली सिंचाई में बर्बाद होने वाले पानी की बचत करके ज़मीन के अंदर पानी के लेवल को कम होने से बचाना, बागवानी कृषि फसलों में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक अपनाकर फसलों की क्वालिटी और पैदावार में इजाफा करना, पौधों की जड़ों में ड्रिप सिंचाई के साथ ही खाद और कीट मारने की केमिकल इस्तेमाल करके केमिकलों के इस्तेमाल की कमी लाना, इस तकनीकों से ऊंची नीची जमीनी पर खेती किस प्रकार से की जाए इसको बढ़ावा देना। इसके अलावा हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों जहां भी सिंचाई के लिए पानी कम है वहां वितरण को ठीक प्रकार से लागू करना, भूजल विकास, लिफ्ट
इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना तथा विस्तारित भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंधन करना, उप जिला या राज्य स्तर पर सिंचाई योजनाएं तैयार कर किसानों के खेती के लिए पेयजल, उनके पास जल जो है उनकी आपूर्ति करना, पानी की पुरानी टंकियों या स्रोतों को दोबारा मरम्मत करके रिसाव को बचाना, इन्हें रेनोवेट करके उनमें दोबारा जल संचयन कर पानी की बचा ज़्यादा मात्रा में करना, जलाशयों को दोबारा भरना, वर्षा का जल एकत्रित करना, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना, ड्रिप व स्प्रिंकलर कार्यक्रम लागू करना। इन तमाम प्रयासों के जरिए पेयजल को बचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि योजना की पात्रता क्या क्या है, अगर आप भी इसमें भागीदारी लेना चाह रहे हैं तो आप इन सभी योग्यताओं का पात्र जरूर होना चाहिए। योजना का फायदा सभी वर्ग के किसान उठा सकते हैं। योजना का फायदा लेने वाले किसान के पास अपनी जमीन और सिंचाई के पानी का स्रोत होना चाहिए। योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकॉर्पोरेटन कंपनीज, पंचायती राज संस्थाएं, गैर सहकारी संस्थाओं, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यों में दिया जा रहा है। ऐसे लाभार्थी या संस्थाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है जो संविदा खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथवा न्यूनतम 7 वर्ष के लीज या एग्रीमेंट की जमीन पर बागवानी खेती करते हैं। एक लाभार्थी कृषक संस्था को उसी भूभाग पर दूसरी बार 7 वर्ष के बाद ही योजना का लाभ ले सकता है। लाभार्थी किसान अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त करके अदा करने के लिए सक्षम की गई है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में रजिस्ट्रेशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस योजना के लिए राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने की स्वीकृति जो है प्रदान कर चुकी है। यहाँ पे हम आपको केंद्र सरकार की कुछ राज्यों की साइटों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक जो वेबसाइट है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। वहां से जाके आप जो है इनके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आप बिहार की, यहाँ पे आप यूपी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की, हर राज्य की साइट मैंने उपलब्ध करा दी है। वहाँ पे आप जाके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको साइट के पे ले जाके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं पारदर्शी किसान सेवा योजना की ऑफिशियल साइट के पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा लाभार्थियों की सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं। कृषकों हेतु सुविधाएं हेतु अनुदान जो भी किया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई हेतु ये योजना क्या है, योजना हेतु पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है योजना के बारे में, अगर आप जानना है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप पंजीकरण करना चाह रहे हैं तो आप नीचे क्लिक करें। जैसे आप पंजीकरण के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा, क्या आप कृषि उद्यान विभाग की साइट में पहले से पंजीकृत हैं, यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। हम नहीं हैं तो हम नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण साइट जो है ओपन नहीं हो पा रही है, लेकिन आप यहीं से इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे साइट स्टार्ट होगी तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें, अगर लिस्ट चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लाभार्थी सूची के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल जो है यहाँ पे सेलेक्ट करनी है किस वर्ष की आप देखना चाह रहे हैं। जैसे हम 2020-21 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे समस्त मौसम यानी कि कौन सी फसल, तो हम यहाँ पे खरीफ की फसल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद समस्त विवरण के अंतर्गत आप समस्त विवरण देखना चाहते हैं या फिर, जैसे आप देखे के पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं सूची निकल के सामने आएगी। यहाँ पे 2020-21 का भी रिकॉर्ड नहीं डला है तो हम यहाँ पे 19-20 का सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे सूची के ऊपर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे जितने भी लोगों को इस स्कीम के तहत लाभ दिया जा रहा है उनकी सूची हमारे सामने ओपन होगी। चले ओपन होती है, तब तक हम आपको बता दें, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस के लिए कितने कितने धनराशि यहाँ पे आवंटन की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं धनराशि, यहाँ पे कुल लाभार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने खरीफ सेलेक्ट किया था, आप जिस भी फसल के तहत देखना चाहे खरीफ या रवि, और जौन सी भी फसल हो चाहे वो सोयाबीन हो या फिर सुपर सीडर हो, बाजरा हो, मक्का हो, जिसके लिए भी आपने लिया हो, ज्वार हो, उसी के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको सोयाबीन के बता देते हैं, तो हम यहाँ पे सोयाबीन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सोयाबीन हमने सेलेक्ट किया है हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे जनपद का नाम आ चुका है, किस किस जनपद में कितने कितने लोगों को यहाँ पे धनराशि मिली है। तो आप जिस भी जनपद से हैं, जैसे हम चित्रकूट की बता दें, तो आप देख सकते हैं चित्रकूट के अंतर्गत 30 कैंडिडेट्स को यहाँ पे लाभ जो है मिल चुका है। जैसे आप कैंडिडेट्स की संख्या के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे उन किसानों के नाम आप देख पाएंगे, किसान पंजीकरण संख्या, किसान का नाम, पति का नाम, ब्लॉक, गांव, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अनुदान हस्तांतरित, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी धनराशि इन्हें मिली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5456 और कितने किलोग्राम, 160 किलोग्राम की मात्रा पे इन्हें सब्सिडी यहाँ पे दी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंचाई के संबंधित जो भी कृषि संबंधी जानकारी अगर आप यहां पे प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप यहां से ले सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही किसानों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी अगर आप पूछिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको किस स्कीम के बारे में जानना है, और इसी प्रकार से जानकारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।